हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MRGK में। जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट चौथा है। आप देख सकते हैं ये सभी एग्ज़ाम से सभी एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आए क्वेश्चन है सभी, यहाँ से देख सकते हैं 2001 में आया, ये भी 2001 में क्वेश्चन आया है। आगे और भी देख सकते हैं, ये इस तरह से सभी क्वेश्चन आ हुए हैं, ये छांट के निकाले गए हैं सभी एग्ज़ाम के। 2005 में आया है ये, गोरखपुर 2005 में आया है ASM में। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आ हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थ का आर्य का शब्द, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है बी ऑप्शन, वे घुड़सवारी करते थे, ठीक है ये भी। वे कई झुंडों में भारत में पहुंचे, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा ये सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले तो जौ का ज्ञान हुआ था, फिर गेहूं का हुआ था, फिर चावल का हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको शिरवण नाम से जाना था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद की, वैदिक संस्कृति में ऋग्वेद की सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वेद ब्राह्मण आर्यक उपनिषद, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, ये हमारी 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, ये हमारे त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये तो बहुत ही सरल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? संगीत का होता है ऑप्शन डी, सामवेद। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मनु, प्रथम विद्युत निर्माता मनु है। क्वेश्चन नंबर 16 है कृषि, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, सही से देखना, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 10वें मंडल में ऋग्वेद का शूद्र उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रकृति की उपासना था। क्वेश्चन नंबर 21 है देवता के किस ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है, पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र में हुआ है, ऑप्शन ए सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से संबंधित है, ऑप्शन ए। शुल्ब सूत्र किस विषय से पुस्तक संबंधित है, ज्यामिति से। क्वेश्चन नंबर 23 है अस्तु मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिगम्य मृत्यु मां मृतगम्य कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया उपनिषद से, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पंजाब में, तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 25 है सूची वन में वेद हुए हैं और सूची सेकंड में यज्ञ करता, तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद को कहते हैं होता होत्र, यजुर्वेद को अर्धवायु, सामवेद में उद्गाता यज्ञकर्ता को, और अथर्ववेद में ब्रह्मा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 है वेदों और अपौरुष, वेदों को अपौरुष से क्यों कहा गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है वैशिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कड़द वैशिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए जैमिनी है जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है बादरण, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णता, पूरी तरीके से 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परुश्री, परुश्री नदी पर लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, धर्म शास्त्रों में पूर्व भूराजस्व की दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/6। क्वेश्चन नंबर 33 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन है ए, इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन ये आए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आए हुए क्वेश्चन है सभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।